प्यारे बच्चों, आज आप लोगों को हम ए प्लस बी होल स्क्वायर एंड ए माइनस बी होल स्क्वायर का बारे में कुछ बोलेंगे। ये क्वेश्चन जो है ए वाला क्वेश्चन आईसीएसई बोर्ड का क्लास 9 का है, मगर आप जान लीजिए स्टेट बोर्ड झारखंड में ए वाला क्लास 7 से ही होता है, तो इसलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देख लीजिए क्वेश्चन क्या है। फाइंड द मिसिंग टर्म इन फॉलोइंग एक्सप्रेशंस टू मेक इट परफेक्ट स्क्वायर। एक संपूर्ण वर्ग बनने के लिए यहाँ पर क्या बैठाना होगा, यहाँ भी से क्या बैठाएंगे कि संपूर्ण वर्ग होगा, ये वाला भी से। तो हम जानते हैं यहाँ पर तीनों चीज प्लस दिया है, तो ए प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्म में लिखना होगा। तो हम लिख सकते हैं व्हेन, फर्स्ट लिख लीजिएगा व्हेन ए प्लस बी होल स्क्वायर, ए प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पर ए स्क्वायर कितना दिया हुआ नहीं है, तो मुझे निकालना होगा। पहले 2ab में आइए, पहले b में आइए, बी स्क्वायर। तो हम जानते हैं 9 इक्वल टू 3 का स्क्वायर, सिंपली 9 इक्वल टू 3 का स्क्वायर। 42x में देखिए 2a नहीं है, b 2 इंटू 3 6, तो ये वाला 7 और 7x का होल स्क्वायर हो जाएगा। 42x हम लिख सकते हैं 42x इक्वल टू 2 इंटू, यहाँ पर पहले लिख लीजिएगा 3, तो 2 इंटू 3 6, 6 इंटू 7 42 एंड x है तो यहाँ 7x होगा, ओनली 7x, तो ये 42x हो गया जो आपको दिया हुआ है। क्लियर? नाउ 7x का होल स्क्वायर, तो 7x का स्क्वायर कितना होगा, 7x का होल स्क्वायर दैट इज 49 का स्क्वायर। सो यू प्लीज राइट हियर 49 का स्क्वायर, सिंपली 49 का स्क्वायर। तो इसका आपको दिया नहीं है, मगर आप जान लीजिए ये वाला चीज होगा क्या, 7x प्लस 3 का होल स्क्वायर। देखिए परफेक्ट स्क्वायर होगा कैसे, 7 का स्क्वायर 49x स्क्वायर, 2 इंटू 7x 14x इंटू 3 42x एंड 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 9, सो इट इज द आंसर, ए 49 स्क्वायर इज द आंसर। समझ गए, ये वाला टिक कर दीजिएगा, इट इज राइट आंसर। एंड नाउ 4x स्क्वायर, अगेन ये तीनों प्लस है सेम, अगेन व्हेन ए प्लस बी होल स्क्वायर, ए प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, सेम चीज, यहाँ ए स्क्वायर दिया है 4x स्क्वायर, सो यू कैन राइट लाइक दिस 4x स्क्वायर 2x का होल स्क्वायर, सिंपली 2ab मतलब क्या, यहाँ b कितना है प्लस 7 का स्क्वायर 49, नाउ 2ab 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 7 28x, तो 28x, सो यू शुड राइट योर 28x, दैट इज योर राइट आंसर। क्लियर? इट इज योर राइट आंसर। तो किसका, इसका वर्ग का फॉर्म में क्या आएगा आपका, आएगा पहले ए स्क्वायर 2x, 2x का होल स्क्वायर, सॉरी 2x प्लस 7 का स्क्वायर, बस ये वाला हो गया। देखिए 2x का स्क्वायर 4x स्क्वायर, 2 इंटू 2 4x इंटू 7 28x प्लस 7 का स्क्वायर 49। यहाँ देखिए इस, यहाँ दो तो प्लस है एक तो माइनस है, तो ये लव a माइनस बी होल स्क्वायर का आएगा, व्हेन a माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। एक्चुअली ए वाला इस ढंग से लिखा जाता है, ये वाला प्लस साइन 2 इंटू ए इंटू माइनस बी एंड ए बी सेम माइनस बी का स्क्वायर, जो स्कूल जैसा फॉलो करता है वही चीज आप लोग फॉलो कीजिएगा। नाउ हाउ यू विल राइट इट, 25x स्क्वायर इक्वल टू 5x का स्क्वायर, स्कूल जो बोलेगा दैट इज फाइनल, उसका पर तर्क नहीं कीजिएगा। या माइनस 40xy, सो 2 हमको मिल गया, 2 इंटू 5 10, तो 10 इंटू 4 इज इक्वल टू 40, सो यू शुड राइट हियर 2, यहाँ 2 लिखिएगा इंटू 5x इंटू, इस ढंग से लिखिएगा तो ऐसा लिखिएगा माइनस 4y। क्लियर? ये वाला हो गया, तो आपका क्या हो गया माइनस 40x। नाउ ये वाला क्या हो जाएगा 4 का y,
माइनस फोर वाई का होल स्क्वायर माइनस फोर वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू 16y2। तो आपका आंसर क्या होगा यहाँ पर 16y2। तो फॉर्म क्या बनेगा किस इसका वर्ग क्या होगा इसका वर्ग होगा 5x माइनस 4y का होल स्क्वायर। तो इसको भी चेक कर लीजिए 5x का स्क्वायर 25x स्क्वायर 2 इंटू 5 10x इंटू 4 40y माइनस 40y आपका हो गया एंड प्लस माइनस 4y का होल स्क्वायर 16y2। प्यारे बच्चों यदि आपको अच्छा यहाँ पर टिक कर दीजिएगा आंसर दिस इज आंसर जितना टिक किया हुआ दैट इज आंसर। प्यारे बच्चों यदि आपको अच्छा लगे मेरा समझाने का तरीका आप प्लीज शेयर कीजिएगा कमेंट कीजिएगा जिन्होंने अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।